HTML फॉर्मेटिंग। आज हम फॉर्मेटिंग के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे होता है। फॉर एग्जांपल अभी हमें कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है तो उसके लिए बी टैग यूज होता है। जैसे कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ, देख लीजिए बी टैग, जैसे कि स्टार्ट और क्लोज, और स्टार्ट और क्लोज के बीच में जो कुछ है वो बोल्ड टैग होता है। बोल्ड के जैसे देखो ये है स्ट्रॉन्ग करके, सेम है लेकिन उसका इम्पोर्टेंट अलग है। बोल्ड सिर्फ बोल्ड होता है और स्ट्रॉन्ग में उसको इम्पोर्टेंट मिल जाता है, बस दोनों में उतना डिफरेंस है, बाकी तो कुछ है नहीं, फंक्शन उनका सेम ही। उसके बाद यहाँ हमने बी आर टैग यूज किया जो लास्ट सेशन में हमने देखा था। अब हम आई टैग यूज करेंगे। आई बोले तो आई मतलब इटैलिक, टेस्ट इटैलिक हो जाता है। ये देखिए इस तरह अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको ईएम करके है, ईएम टैग, उसे भी सेम इटैलिक ही हो जाता है। इसको इंफ्रा साइज टेस्ट बोल देते हैं, ई एम मतलब। उसके बाद है मार्क, हम मार्क का टैग के बारे में जानकारी लेंगे। मार्क मतलब क्या होता है कि हम कोई पैराग्राफ देख लेते हैं तो उसमें से एक वर्ड है फॉर एग्जांपल वो हाईलाइटेड होता है तो उसको मार्क टैग की तरह से हाईलाइट किया जाता है। उसके बाद है स्मॉल, स्मॉल करके भी एक टैग है जिसमें पूरा पैराग्राफ है और पैराग्राफ में हमें कुछ एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल वर्ड है, वही हमें स्मॉल करना है तो यह स्मॉल टैग यूज होता है। स्मॉल टैग स्टार्ट किया और क्लोज किया। हाँ अभी ये देखिए, ये टेस्ट स्मॉल जो लिखा है हमने वर्ड वो स्मॉल हो जाएगा। मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से मालूम पड़े। अभी ये मैंने पैराग्राफ में भी किया सेम, तो इसका भी आउटपुट सेम ही आएगा। अभी इसका मैं स्टाइल देके उसका फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ। फोर्टी फाइव किया मैंने फॉन्ट साइज, चलो 300 कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा रहेगा फिर। या इसमें देखो स्मॉल है। अभी मैं स्मॉल टैग हटा के आपको एक बार इसका ये करवा देता हूँ। देखो अभी मैं स्मॉल टैग हटा रहा हूँ तो मतलब आपको डिफरेंस पता चलेगा। हाँ ये देखिए अभी बड़ा हो गया और स्मॉल यूज किया तो छोटा हो जाता है इस तरह से। अभी मैं इसको मार्क टैग यूज करता हूँ, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि हाईलाइट होते हैं टेस्ट, मार्क टैग देखिए ये मार्क टैग से हाईलाइट हो गए। इसको हम मार्क टेस्ट ऐसे बोलते हैं। अभी मैं प्रॉपर या हाईलाइट वर्ड लिख लेता हूँ। ये होगा हाईलाइटेड, ये टेस्ट हमने हाईलाइट किया। अभी हमने बी टैग देखा, स्ट्रॉन्ग टैग देखा, इटैलिक देखा, उसके बाद ई एम टैग देखा, उसके बाद मार्क टैग देखा और स्मॉल टैग देखा। ठीक है अभी ये डिलीट टैग है, डी ई एल लिखते हैं उसको तो वो टेस्ट रिमूव हो जाता है। उसके बाद इंसर्ट, आई एन एस, तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये वर्ड इंसर्ट है, इंसर्टेड टेस्ट करके। उसके बाद सब, सब का मीनिंग ये होता है कि वो टेस्ट नीचे आ जाता है। ये देखिए ये है सबस्क्रिप्ट टेस्ट बोलते हैं उसको, इसके लिए सब टैग यूज होता है। और एसपी टैग है, ये सुपर टेस्ट है। जैसे कि हम देख लेते हैं कि कई कई लिखा होता है 10th, तो 10th हमें लिखना है
तो ये इसके लिए वो सुपर टैग, सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि ये टेंथ आ गया, अभी देखो ये जो पेस आ गया, तो मुझे यहाँ से पेस हटाना पड़ेगा टी एच के आगे से। हाँ तो अभी टेंथ आएगा, जैसे कि हमें टेंथ ट्वेल्थ ऐसा लिखना है तो ये टैग यूज़ करना पड़ेगा।